नमस्कार दोस्तों, जेड फैक्ट के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोकीस्टार बैंड के ओनर है यानी पिंटू भाई को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि पिंटू भाई का रियल नाम आखिर क्या है? और गाइस, क्या आपको पता है कि पिंटू भाई के लाइटिंग सूट की यानी लाइटिंग जैकेट की आखिर प्राइस क्या है? दोस्तों, पिंटू भाई का आज का वीडियो नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है, इसलिए जो भी रोकीस्टार बैंड के फैन है वो सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा। दोस्तों, पिंटू भाई एक ऐसे आर्टिस्ट है कि जिसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई रहेगा, क्योंकि पिंटू भाई बैंड इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट है। और पिंटू भाई एक लौते बैंड इंडस्ट्री के ऐसे आर्टिस्ट है जो अपने गाने खुद लिखते हैं, क्योंकि आपने कहीं पर भी रॉकस्टार बैंड को देखा होगा जहां पर रॉकस्टार बैंड के ऑफिशियल गानों के अलावा दूसरा गाना नहीं सुना होगा। और हाल ही में रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई की एक जबरदस्त केटीएम आरसी 200 और एक न्यू लाइटिंग सूट के साथ एंट्री हुई थी, और जिसे देखकर देखने वालों के तो होश ही उड़ गए और ऐसा लग रहा था कि कोई खतरनाक गैंगस्टर की एंट्री हुई हो। और जिस तरह साउथ मूवी के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार कहा जाता है, कुछ उसी तरह पिंटू भाई को भी लोग स्टाइलिश स्टार कहते हैं। और पिंटू भाई एक ऐसे लेजेंड आर्टिस्ट है जिसने अपने लाइफ में बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल किया है, क्योंकि इसके जैसा स्ट्रगल करना किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। और अगर रॉकस्टार बैंड के ओनर यानी पिंटू भाई के रियल नेम की बात करें तो पिंटू भाई का रियल नेम छगन भाई है। थोड़ा सा अजीब है लेकिन सही है। जी हाँ दोस्तों, पिंटू भाई का रियल नेम छगन भाई है। और वैसे भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उस इंसान की पहचान उसके कारनामों से होती है। और अगर पिंटू भाई के लाइटिंग सूट की कीमत की बात करें तो 4 से 5 हज़ार उस लाइटिंग सूट की कीमत है। और एक तरफ एलईडी शूज यानी एलईडी जूतों की बात करें तो उसकी कीमत भी 1500 से लेकर 2000 के बीच है उस शूज की कीमत है, यानी उस जूतों की कीमत। और अगर एक तरफ अगर लाइटिंग ग्लास की बात करें यानी लाइटिंग चश्मा, तो उसकी कीमत भी 1500 से लेकर 2000 के बीच उसकी कीमत है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, महंगी चीज़ें यूज़ करना और बचपन से स्टाइलिश रहना पिंटू भाई का शौक है, तो भी ऐसे आर्टिस्ट के लिए तो एक लाइक बनता है। और जो भी रॉकस्टार बैंड के फैन इस वीडियो को देख रहे हैं और रॉकस्टार बैंड को अगर दिल से चाहते हैं, पिंटू भाई को दिल से चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए भूलेगा मत। और साथ ये वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में रॉकस्टार बैंड किंग इस तरह कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले और साथ ही जो भी लोग कमेंट पढ़ने के लिए आते हैं ज़्यादातर, उन्हें भी पता चले कि आगे रॉकस्टार बैंड की पहचान कितनी तक है। तो नेक्स्ट वीडियो दमदार होने वाला है, हाई लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक जबरदस्त वीडियो ले गए। तब तक जय हिंद, जय आदिवासी।